नमस्कार मित्रों, बेस्ट प्लेसेस के इस वीडियो ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम रामदेगी जा रहे हैं। रामदेगी उस जगह का नाम है जहां पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था बैठती है। दोनों धर्मों के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। हिंदू धर्म के लोग इस जगह को रामदेगी के नाम से जानते हैं और बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे संगारामगिरी के नाम से जानते हैं। इस जगह की लोकेशन के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये स्थल महाराष्ट्र के चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट के चिमूर तालुका में वरोरा चिमूर राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थित भुजगांव नामक गांव के पूर्व में 5 किलोमीटर अंतर की दूरी पर स्थित है। अगर आप यहाँ पर नागपुर या चंद्रपुर से जाना चाहते हैं तो ये नागपुर से रामदेगी का डिस्टेंस 115 किलोमीटर है और चंद्रपुर से रामदेगी का डिस्टेंस ये करीबन 75 किलोमीटर का आता है। रामदेगी, जिसे संगा रामगिरी भी कहा जाता है, ताड़ोबा नेशनल पार्क चंद्रपुर के बफर जोन का हिस्सा है और ताड़ोबा टाइगर रिजर्व के पास होने के कारण यहाँ की हरी भरी पहाड़ियों का नज़ारा मन मोह लेता है। यह जगह नेशनल टाइगर रिजर्व होने के कारण यहाँ पे सुरक्षा के लिए वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद होते हैं। हर साल विदर्भ के पर्यटकों के साथ साथ यहाँ पे कई जगह से स्कूल ट्रिप भी बड़ी मात्रा में आती है। छुट्टियों के दौरान इस जगह पर पर्यटकों की भारी भीड़ होती है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण जैसे जंगली जानवर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। रामदेगी के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि जब श्री राम जी को 14 साल का वनवास मिला था और राम जी वनवास पे थे, तब श्री राम और सीता जी इस जगह पर कुछ देर के लिए रुके थे और यहाँ पे उन्होंने वास्तव किया था। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान जब भारत में बौद्ध धर्म का बोलबाला था, तब यहाँ की भीम पचारा क्षेत्र में उस काल का एक बौद्ध आसन है और इसे माना जाता है कि ये भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। इसीलिए भगवान बुद्धा में विश्वास रखने वाले और बौद्ध भिक्षुक हमेशा यहाँ पे निवास करते हैं। इस स्थान पर मार्गशीर्ष महीने के 5 सोमवार को यात्रा निकाली जाती है
उस समय यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। वैसे ही आषाढ़ी पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा तक देश विदेश से बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु इस स्थान पर आते हैं। श्री राम के निवास से पवित्र रामदिगी परिसर में आपको देखने के लिए चंदई नाला परियोजना, संगरामगिरी पहाड़ी, वाटरफॉल, पानी के सात कुंड आपको मिलेंगे। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और यह क्षेत्र पर्यटक से भरा हुआ रहता है। खास करके मानसून के दौरान यहाँ की प्राकृतिक आवाज़, राम सीता का वास, रथ के पहिए के निशान और चंदई नाला परियोजना का नज़ारा देखने ही बनता है। रामदिगी क्षेत्र 1955 में बनाया गया था और ये ताड़ोबा अभयारण्य का एक हिस्सा है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर काले पत्थरों से निर्मित है। इस मंदिर में एक शिवलिंग और 4 फीट ऊंची पीतल की मूर्ति है। इसके साथ ही क्षेत्र में राम, लक्ष्मण, सीता, बजरंगबली और विठल रुक्मिणी का मंदिर है। मंदिर की स्थापना 1958 में हुई थी। पहाड़ी से देखने के बाद हरे भरे जंगल क्षेत्र, मंदिर, झील की तस्वीर देखकर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। जमुनागढ़ के उत्तर में भगवान राम का निवास है। इस स्थान को भीम पचारा के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर श्री राम विश्राम किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर से भीम पचारा की यात्रा पर्यटकों के लिए एक आश्चर्य है। वन विभाग जंगली जानवरों के अतिक्रमण के आधार पर कुछ दिनों से इस क्षेत्र में प्रवेश को मना करता है। इस क्षेत्र में पहाड़ी पर बाघ की गुफाओं को आप देखा जा सकता है। एक ऊंचे स्थान पर राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज की मूर्ति है। गायमुख शिव मंदिर के पास है। मंदिर के पिछले हिस्से में ऊंचाई से बहता पानी का एक झरना एक तालाब में गिरता है। लोग इस जल कुंड का आनंद लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया है आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।